स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MCQ सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से 23/9/2021 को एक प्रेस नोट जारी किया गया है। आइए जानते हैं क्या है ये प्रेस नोट, SI एग्जाम को लेके ये प्रेस नोट है वो जारी किया गया है RPSC की ओर से। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आयोग की ओर से जो उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर गृह विभाग पुलिस प्रतियोगी परीक्षा SI की परीक्षा का आयोजन है वो तीन चरणों में, जैसा कि आपको पता है, 13/9 से लेकर 15/9 तक दो दो सत्रों में, प्रातः 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे और दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक इसका आयोजन किया गया था। अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, राजसमंद और पाली जिला मुख्यालयों पर इसका आयोजन किया गया था। लेकिन इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए 27/9/2021 से, जी हाँ, 27/9/2021 से लेकर 27 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो अभ्यर्थी का जैसे कोई नाम, परीक्षा के अंदर फोटो, हस्ताक्षर या विषय के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर है वो प्रदान किया जा रहा है। तो इसमें आपका अगर कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके लिए डेट क्या है तो आप ध्यान रखिएगा, 27/9/2021 से लेकर 6 अक्टूबर तक, जी हाँ 6 अक्टूबर तक आप किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, परीक्षा के अंदर फोटो, हस्ताक्षर, इसके आधार पर आप संशोधन कर सकते हैं। संशोधन चाहने वाले अभ्यर्थी है वो ई मित्र या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ₹300 का शुल्क जमा कराते हुए, जो पोर्टल जैसा कि आप देख रहे हैं rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, वहां से अप्लाई ऑनलाइन लिंक अथवा SSO पोर्टल से लॉगिन कर उसमें आप है वो रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करके वहां पर ऑनलाइन इसको संशोधन कर सकते हैं। इस परीक्षा में केवल ऑनलाइन संशोधन का ही विकल्प का प्रयोग करें, ऑफलाइन संशोधन यहां पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे, जैसा कि इस प्रेस नोट में बताया गया है। उपरोक्त ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों को हितार्थ सुविधा के मात्र दिया गया है। संशोधन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही मान्य होंगे, जैसा कि आप नोटिफिकेशन में जारी किया गया था उसी हिसाब से संशोधन है वो मान्य किए जाएंगे। संशोधन में किसी भी प्रकार की कोई भी तकनीकी कठिनाई होने पर आप, जैसा कि आप देख सकते हैं, recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं और इसके अलावा एक फ़ोन नंबर भी दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं 9352323625। इसके अलावा 7340557555, तो यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसा ही एग्जाम के लिए जो भी संशोधन करना है वो आप कर सकते हैं। ये 23/9/2021 का प्रेस नोट है वो जारी किया गया है RPSC की तरफ से SI एग्जाम को लेकर। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।